पड़े सर ठीक है हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनूप कुमार जी पंडाल में पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आप आए तो मंडप की शोभा बढ़ी। Your arrival is like a blessing showered from above. DAV school का आज दिनांक दिसंबर 17, 2023 को prize distribution function, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसमें बतौर चीफ गेस्ट शिरकत कर रहे हैं श्री विजय सांपला जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हमारे बेहद प्यारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि अपनी एक जोरदार ताली लगाकर हम सर की इस समय प्रतिबद्धता की एक रिकॉग्निशन दें। क्लैपिंग, थैंक यू वेरी मच। श्री डीएल आनंद, रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएवी सीएमसी होशियारपुर, राजेश कुमार सर जो कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और जितने भी बच्चे पंडाल में हैं, कुलतरण अगर कोई बच्चे पंडाल में है इधर उधर है, अश्विनी सर डॉक्टर साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, अगर कोई बच्चे पंडाल से बाहर हैं तो कृपया उनको कह दिया जाए वो आकर अपनी सीट्स ग्रहण करें। अले, 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 अले। आज के इस शुभ दिवस पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कमेटी के वो मेंबर साहिबान जिनकी ड्यूटी पंडाल में स्टूडेंट्स को व्यवस्थित रूप से बिठाने की है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया बच्चों को उनके उचित स्थान पर बिठा दिया जाए। व्यक्तित्वों की लिस्ट में गिने जाने वाले डॉक्टर अनूप कुमार, प्रेसिडेंट डीएवी सीएमसी होशियारपुर, हमारे मध्य पधार चुके हैं। हाउस कैप्टन, जितने भी बच्चे यहाँ हैं, आप सब गुजारिश है कि अगर कुछ बच्चे पंडाल के बाहर हैं तो हाउस कैप्टन उनको लेकर पंडाल में आए। फंक्शन की शोभा तभी बढ़ती है जब हमारे गेस्ट आए और हम होस्ट मैक्सिमम नंबर में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हों। I request prize distribution committee. Hello. हेलो, मेरी रिक्वेस्ट है हमारे साउंड वाले, आई अगेन रिक्वेस्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी मेंबर्स टू प्लीज चेक कि एकेडमिक प्राइजेस वाले बच्चे पहुंच चुके हैं और वो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं।
जितने भी पेरेंट्स पंडाल में आ रहे हैं वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करते चलिए। इस पंडाल में ये सीट्स आपके लिए ही लगाई गई हैं। बेटा खड़े मत रहिए, कोई भी बच्चा खड़ा नहीं होगा, आप लोग यहाँ बैठते चले जाएंगे। आई रिक्वेस्ट वेयरिंग द स्कूल बैचेस दैट यू आर गिवन द अथॉरिटी टू से एनीथिंग टू एनी चाइल्ड, यू आर गिवन अथॉरिटी टू डायरेक्ट देम टू सिट, प्लीज आप अपनी ड्यूटी कीजिए, इनको बिठाइए, इनको बोलिए। सर डीवी कॉलेज से परमवीर सर पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। I again request the teachers on various duties and charges to please take care of the things assigned to them. We should check if the sports people have arrived. We should check if the academic prizes list students have arrived. And I again welcome all the parents who have honored us with their presence on the day. इस भव्य दिन पर आपकी उपस्थिति का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैं पहले कह रही थी, आप आए तो मंडप की शोभा बढ़ी। एक बच्चा है हर्ष, जो बहुत खूबसूरत आवाज का मालिक है। हर्ष मेरी आवाज सुन रहा हो तो मंच पर मेरे पास आ जाए। जितेंद्र आपकी आवाज इधर नहीं आनी चाहिए। मंच के पीछे से आवाज इधर नहीं आनी चाहिए, उसके लिए कुछ टीचर साहिबान की ड्यूटी लगा दी गई है। बेटा कर्टन पीछे करो। बेटा हर्ष बच्चा मेरी आवाज सुन रहा है तो प्लीज मंच के पास आ जाए। उसको बताया गया था कि सबसे पहली आइटम उसकी है। अरे अरे हमारे चीफ गेस्ट हमारे मध्य पधार चुके हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री विजय सांपला जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भावना जिस बच्ची ने नेपाली नृत्य करना है, मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया मंच के पीछे आ जाएं। सपना मैडम आप कृपया बाहर आकर साउंड टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। शिव वंदना के बाद पहला आइटम नेपाली सॉन्ग है। ठीक है बेटा, यू हैव टू कोऑर्डिनेट। और भावना पीछे रेडी है? गुड। हर्ष बच्चा पीछे है, उसको बुलाइए आगे।
हर्ष, मैं आपको 2-3 बार बुला चुकी हूं, मंच पर मेरे पास आ जाइए। हमारे फंक्शन का आज का थीम है मेरी माटी मेरा देश। जब तक सर आकर यहाँ सेटल होते हैं, इस बच्चे के कंठ से इस गीत का आनंद उठाइए। आगे आओ बेटे। मैं जग दुनिया तो जावा, मुड़ फिर दोबारा आवा, मैं जो भी जून वंडावा, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। धरती आशिक लोकां दी, कई रांझे ते कई हीरां दी, मैं जग दुनिया तो जावा, हो मुड़ फिर दोबारा आवा, हो मैं जग दुनिया तो जावा, मुड़ फिर दोबारा आवा, मैं जो भी जू मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। बीतियां गल्लां समय पुराने, जो छोले बलदाने खाने, बापू ने मुट्ठी पर चब लैने, हो इको जइयां खुराकां खाके, बंजर जमीना ते हड़वा के, मिट्टी विचों हीरे लब लैने, सब बदल गया रामा, हो पावे अज होर हवा, हो सब बदल गया रामा, पावे अज होर पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। पीना जदों बिहा के लाउणा, सैकल ते कैरियल ना होना, बोरी डंडियां विच फसा लैणी, हो जद बोरी दा मुंह खुल जाना, डुले आटा चुक के पौना, मालड़ दी तां चट मना लैनी, हो ऐथे गाड़ा विच दुआवा, हो ना रुसन पुत्ता नर मावा, हो ऐथे गाड़ा विच दुआवा, ना रुसन पुत्ता नर मावा, इसे लई मैं जावा। मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। भावे दुनिया घूम लईए सोनिया, भावे दुनिया घूम लईए, छड़िए जहान जदों भई, छड़िए जहान जदों
मिट्टी बदना दी चुम लिए सोने मिट्टी बदना दी चुम लिए सोने मिट्टी बदना दी चुम लिए। जितनी खूबसूरत इस बच्चे की आवाज है उतनी खूबसूरत गूंज मुझे आपकी तालियों की सुनाई नहीं दी। जरा एक और गड़गड़ाहट इस बच्चे के नाम हो जाए। आजकल एक ट्रेंड है बच्चे खूब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर तैयारी करते हैं, पीछे से म्यूजिक फिल करवाते हैं और जाने क्या क्या जो आज का मीडिया सेटअप है, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उससे आवाज को और खूबसूरत बनाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन इस तरह का टैलेंट कि एक बच्चा बिना म्यूजिक बिना कैरों के अपने गले से अपनी सधी हुई आवाज के साथ आपकी इस सुबह की शुरुआत कर रहा है, मैं सोचती हूँ और तहे दिल से ये मानती हूँ कि ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए भी एक उपलब्धि है और स्कूल के लिए भी एक उपलब्धि है। हर्ष बेटा, आप जिंदगी में ऐसे ही तरक्की करते जाएं, आपके गले को माँ सरस्वती और मधुर बनाए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है और दिल से आपके लिए प्रेयर है। ये दो बच्चियां जो प्लस टू की पिछले साल की, बेटा यहाँ जसजीत सर खड़े हैं, रघु सर खड़े हैं, इनको मिल लीजिए। सर इन बच्चों को कार्ड्स नहीं मिले थे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं शॉर्टलैंड जाऊंगा। सपना मैम पीछे शिव वंदना के लिए, दीक्षा मैम आप साथ ही रहिएगा, ठीक है? प्लीज योर ड्यूटी शुड बी ऑन द साउंड विद हर। और पंडाल वाले भैया मेरी बात सुन रहे हैं तो दो तीन कुर्सियां वहां रखवा दीजिए टीचर्स के बैठने के लिए साउंड बॉक्स के पास, थैंक यू। शिव वंदना के बाद नेपाली सॉन्ग तैयार रहेगा ताकि वो बच्चे जाकर ड्रेस लें। पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उत्सुकता होती है कि हम जिस फंक्शन को देखने आए हैं उसमें आज क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में। ज्योति प्रज्वलन के बाद प्रिंसिपल सर स्वागत भाषण देंगे। उसके बाद शिव वंदना के बाद जो कंटेंजेंट इंचार्जेस मेरे लेफ्ट साइड पे हैं और मंच के पीछे हैं, कृपया अपनी अपनी आइटम का जो सीक्वेंस है वो सुन लें। शिव वंदना के बाद मेरा रंगदे बसंती चोला डांस परफॉर्मेंस, उसके बाद अनेक रंगों से सजा एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये पंजाबी राजस्थानी और गुजराती डांस का फ्यूजन है। इसके बाद तेरी मिट्टी में मिल जावा, इसके कंटेंजेंट इंचार्ज विक्रम सर हैं। विक्रम सर और मिस अमन मेरी आवाज को सुन रहे होंगे। अनेक रंगों से सजा भारत के बाद आपका इवेंट है और उसके बाद इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी परफॉर्मेंस बाय लिटिल किड्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाली टीम जरा मंच के सामने हो तो कृपया कोई एक टीचर हाथ वेव करके मेरे साथ जरा कोऑर्डिनेट कर ले। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टीचर, थैंक यू मैडम। एक आइटम है तेरी मिट्टी में मिल जावा डांस है, उसके बाद सीधे हम एकेडमिक प्राइजेस एंड ऑनरिंग द डोनर्स, यही है बेटा जो लिस्ट आपके पास है।
मीना मैम इधर आ जाओ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी के बाद रिसेप्शन कमेटी के टीचर्स, अभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कृपया इनको इनके बैठने का स्थान बता दीजिए। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी के बाद एकेडमिक प्राइजेस एंड ऑनरिंग द डोनर्स, उसके बाद चीफ गेस्ट का एड्रेस रहेगा। बख्शी सर, चीफ गेस्ट के एड्रेस के बाद स्किट है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश स्किट के बाद सपना मैम, पापा के सपनों से कॉलेज तक का सफर। सपना मैडम, कोई भी बच्चे अगर इससे वाली पहली एक्टिविटी में रिपीट हो रहे हैं तो ध्यान में रखिए स्किट तक वो बच्चे तैयार हो जाएंगे। कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेटा, गिरने वाले बच्चे जब पेरेंट्स आ जाएंगे तो आप एक एक चेयर पीछे हो सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ यू सुरभि, यू कैन कनेक्ट सो इजिली। एकेडमिक प्राइजेस एंड ऑनरिंग द डोनर्स, इसके बाद चीफ गेस्ट एड्रेस है, उसके बाद स्किट है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश स्किट के बाद पापा के सपनों से कॉलेज तक का सफर। एक छोटी सी चेंज है, शिव वंदना के बाद नेपाली नृत्य है। पापा के सपनों से कॉलेज तक के सफर के बाद सीधे शोमैन है। आई गेस मैडम ये बच्चे अलग अलग हैं। थैंक यू। उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस है और उसके बाद स्पोर्ट्स प्राइजेस और एप्रिसिएशन अवार्ड्स हैं। एप्रिसिएशन अवार्ड्स के बाद सुरभि, योर टीम शैल बी रॉकिंग ऑन द स्टेज। गिद्धा, हेलो, शोमैन यादों से झरोखे के बाद स्पोर्ट्स प्राइजेस एंड एप्रिसिएशन अवार्ड्स। एप्रिसिएशन अवार्ड्स के बाद गिद्धा और गिद्धे के बाद भांगड़ा और उसके बाद नेशनल एंथम होगा और मुझे लगता है कहना नहीं चाहेगी या कहना नहीं पड़ेगा कि नेशनल एंथम के टाइम पर हम सब खड़े हो जाएंगे और अपने राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए हम इस गीत को साथ गुनगुनाएंगे। धन्यवाद। For the team who is handling the corner of prizes, I am announcing the names of the sports champion of the school, Radhika Sharma. बेटे, ये बच्ची international level तक badminton खेल चुकी है और अभी भी वो national league के लिए गई हुई है, इसलिए आज वो अपना prize लेने नहीं आ सकती। हमें proud है ऐसे बच्चों पर और आप इस प्राउड को हमारे साथ ताली बजाकर शेयर कर सकते हैं। मुझे फखर है कि जहां आजकल ब्रांड
नेम चलता है स्कूल्स का, आईसीएसई बोर्ड्स एंड ऑल द हेफ्टी कॉस्टली ब्रांड्स, ऐसे में डीएवी स्कूल समाज के उस हिस्से को केटर करता है जो लोग दिल से इस बात को मानते हैं कि सरकारी स्कूल और विभिन्न मैनेजिंग कमेटीज द्वारा चलाए गए शिक्षा को एक पद्धति मानने वाले स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। एकेडेमिक प्राइजेस की लिस्ट आपने सुनी, स्पोर्ट्समैन बच्चों की आपने सुनी, हमारे स्कूल से 3 बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं, धृति खन्ना, एक्सक्यूज मी, सिमरन, बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चे गए हैं, बिजनेस कॉलेजेस में गए हैं, और प्राउड की बात है कि हमारे स्टाफ में इतनी काबिलियत है, माँ बाप को हमारी काबिलियत पर भरोसा है, ये बच्चे स्कूल में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट, प्रांत और राष्ट्रीय पत्थर पर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम स्टाफ मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे, जहां जहां भी शहर में इस बार डीएवी कॉलेज ने, जीएनए यूनिवर्सिटी ने, जलंधर कॉलेज में जितने भी कल्चरल, एजुकेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनमें हमारे बच्चे प्राइज लेकर आए हैं। ताली बजा दीजिए अपने दोस्तों के लिए। सबसे बड़ा उपहार वो होता है जो पेपर में रैप नहीं किया होता, समझे मेरी बात। सबसे बड़ा गिफ्ट वो होता है किसी का हौसला बढ़ाने के लिए जो हम गिफ्ट में, गिफ्ट पेपर में पैक करके नहीं लाते, और वो है आपके हाथ, वो है आपकी दुआएं, वो है आपकी ताली। अपने हाथों को कोई मामूली चीज मत समझिए। बाबा रामदेव जी ने तो इस ताली के बहुत गुण बताए हैं, ये स्वास्थ्य वर्धक है, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बनता है, आपका बीपी ठीक रहता है, आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं, और कुछ देर के लिए आप जिस भी परेशानी में हैं, आप ताली बजाते हैं तो चुटकी बजाते ही वो परेशानी निकल जाती है। तो प्लीज ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिएगा, और ये आपके स्कूल का फंक्शन है, डिसिप्लिन में रहकर देखिएगा ताकि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें ये देखकर खुशी हो कि उनके साथी उनकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश हैं। संडे का दिन है, अक्सर हम कहते हैं संडे छुट्टी का दिन है, सारे हफ्ते के जो काम इकट्ठे करके हम रखते रहते हैं, मेरे सामने कई बच्चों की मम्मियां बैठी हैं, कई बार हम हफ्ते 15 दिन के काम टालते रहते हैं कि चलो एतवार नो कराए, पर उस इतवार के दिन आप समय निकालकर अपनी सारी बिजी शेड्यूल को दर निकाल करके हमारा फंक्शन देखने आए हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसे पेरेंट्स निराश ना हो, दे शुड फील कि वी आर ऑनर्ड और हम एक बेहद अच्छे फंक्शन के साक्षी बने हैं। हमारे चीफ गेस्ट कुछ ही मिनटों में हमारे मध्य पधार रहे हैं। हाउस कैप्टन पुष्प हाथों में लिए उन पर पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। प्रिंसिपल सर जरा माइक के इस तरफ आ जाएंगे आप 2 मिनट।
Our chief guest will soon be among us. कभी कभी जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो कुछ बहुत जरूरी बातें करनी रह जाती हैं, क्योंकि सबको घर जाने की जल्दी होती है, तो वो दो तीन बातें आपसे मैं अभी कर लेती हूँ हमारे चीफ गेस्ट के आने से पहले। पहली बात कि तहे दिल से डीएवी स्कूल का पूरा स्टाफ और पूरे विद्यार्थी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस पंडाल में आए और आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दूसरी बात, जब भी नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आइटम लेकर आएंगे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब बच्चे यहाँ आकर बिल्कुल अनजान चेहरों को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, तो उस वक्त हंसने की बजाय उनका हौसला बढ़ाइएगा ताकि वो बच्चे दोबारा से अपना हौसला, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर सके। और जो बेहद तीसरी बात जरूरी है, जो आप सबके लिए है, जैसे मैं कह रही थी, बिजी संडे में से आपने अपना टाइम निकाला है तो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं गिद्दे के पार्टिसिपेंट्स। कहते हैं भी गिद्दे च जिन्हों अड्डी मारनी आई ते ताली मारनी नहीं आई वो कादी गिद्दे वाली। तो गिद्दे दिया कुड़िया जरा जोरदार ताली मार के आज दी ऑडियंस का शुक्रिया कर दियो बेटे। वेरी गुड। एंड आई मस्ट से आप सबकी ताली पे भारी है हमारी गिद्दे की लड़कियों की ताली। वेरी गुड बेटा। तो जिस समय का आपको इंतजार था, पहली आइटम आपके सामने लेकर आ रही है भावना, नेपाली नृत्य। भारत एक ऐसा देश है जिसमें ना केवल अपने तरह तरह के प्रांत, भाषाएं, पकवान सिमट कर एक तिरंगे के रंगों में आ गए हैं, भारत इतना विशाल हृदय रखता है कि बाहर से आने वाले पड़ोसी देशों से लोग भी हमारे अपने हो जाते हैं। हमारे सम्मुख आ रही है प्लस वन ए की, प्लस वन सी की भावना नेपाली नृत्य लेकर। बेटे पर्दा परे कर दीजिए। नेपाली डांस लेकर आ रही है भावना, और इस गीत का मतलब ये है कि जीवन एक मेले की तरह है, तरह तरह की चीजें इसमें उपलब्ध हैं, पर उनको लेके जाने के लिए आपको मेले तक पहुंचना पड़ता है। म्यूजिक सेट। सपना मैम वहां पे हैं? आप बस ठीक है। नेपाली नृत्य का आनंद मानिए भावना प्लस वन सी। Thank you.
नेपाली बोलों से और नेपाली थिरकन से आपका इस पंडाल में हार्दिक स्वागत। हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री विजय सांपला जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और उनके साथ डॉक्टर अनूप कुमार, प्रेसिडेंट DAV CMC। हार्दिक अभिनंदन श्री DL आनंद, रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी DAV CMC, प्रोफेसर भल्ला। आज इस दिन में आपका हमारे साथ शामिल होना इस बात का द्योतक है कि हम कितने ही बढ़िया मैनेजमेंट कमेटी के संरक्षण में अपना आज का इवेंट मना रहे हैं। संजीव तलवार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत। श्री RM भल्ला, वाइस प्रेसिडेंट सर, आपका बेहद अभिनंदन। श्री DL आनंद, रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तहे दिल से आपका शुक्रिया सर। एक वट वृक्ष होते हैं किसी परिवार के मुखिया, और जब वो आकर इस तरह किसी फंक्शन में बैठ जाते हैं तो सिर पे उनका हाथ ईश्वर के वरदान की तरह होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर, बहुत बहुत स्वागत सर। प्रिंसिपल मेहता, बहुत बहुत स्वागत सर। शरणजीत सर, बहुत बहुत स्वागत। PC शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर साहिबान श्री विजय सांपला जी, संजीव तलवार जी, जिन्होंने आज आकर हमारा हौसला बढ़ाया है। बच्चों की ओर से, स्टाफ की ओर से, प्रिंसिपल सर की ओर से, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। हमारी संस्कृति की एक अनमोल परंपरा है कि हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ज्योति प्रज्वलित करके करते हैं। तो मेरा निवेदन है हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री सांपला जी से, डॉक्टर साहब से, प्रिंसिपल DL आनंद जी से। आनंद सर, करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया ईश्वर के आशीर्वाद में हमारे साथ शामिल हों। प्रोफेसर भल्ला, प्रोफेसर श्याम सुंदर सूद, तमसो मा ज्योतिर्गम्यो, अस्तो मा सद्गम्यो। हे प्रकाश की देवी, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। देखा जाए तो अंधेरा कुछ है ही नहीं, केवल प्रकाश का एब्सेंस है। जितना भी भारी अंधेरा हो, आप एक नन्हा सा दिया जला दें तो भारी अंधेरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ईश्वर के चरणों में ज्योति जलाकर पूरे समाज के लिए, देश के लिए, परिवार जो कि स्कूल है,
मैनेजमेंट कमेटी है, क्योंकि हमारी पद्धति है हम संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। गौतम सर, शर्मा सर, शरणजी सैनी सर, कृपया मंच की ओर आ जाए, यहाँ ज्योति के पास प्लीज आ जाइए सर। प्रिंसिपल सर, एक सेकंड ग्रुप में प्लीज इनको ले आइए। शरणजी सर, गौतम मेहता सर, देखिए सर ने अपनी लाचारी जताई थी कि थोड़ा शूज का इशू है, आप तो आ सकते हैं, कृपया आ जाएं सर। धन्यवाद सर। अब एक स्वागत बच्चों ने अभी मंच पर अपने गीत से किया, उसके बाद हमने ईश वंदना की। अब प्रिंसिपल सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो फूलों के साथ हमारे चीफ गेस्ट श्री सांपला जी का, डॉक्टर साहब का और अनंत सर का स्वागत करें। मेरे दाईं ओर जो सोफा है मेरी नजर के सामने, दो मेरे अध्यापक हैं, एक मेरे पूर्व प्रिंसिपल हैं। आप तीनों को सामने देखना एक बेहद सम्मान और सुखद बात है। शरणजीत सर, पीसी शर्मा सर, गौतम सर, मेरी मुराद आपसे है। जब आपके टीचर आपके सामने बैठे होते हैं और आपके पुराने प्रिंसिपल जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, तो ये मंच के लिए सम्माननीय बात है। मैं अनुग्रहित हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। फूलों से स्वागत के बाद डीएल आनंद जी का स्वागत करते हुए प्रिंसिपल सर और डॉक्टर साहब, अनंत सर आप हम सबके लिए पितामह की तरह वो वट वृक्ष हैं जिसकी छाया में डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस दिन दुगनी रात तरक्की कर रहे हैं। आज पंडाल में कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और हर कोई इस बात की साक्षी देगा संजीव तलवार भाई साहब का फूलों से स्वागत करते हुए प्रिंसिपल सर और हमारे आज के मेहमान और मेजबान डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार साहब भी स्कूल के पुराने स्टूडेंट हैं। जो सबको खुशियां बांटते हैं डॉक्टर साहब, खुशबुएं उनके हाथों में भी रहनी चाहिए। धन्यवाद हमारे मेजबान और मेहमान दोनों होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रही थी, बेटा ईश वंदना का म्यूजिक सेट करवा लीजिए। मैं बात कर रही थी कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये यकीनन महसूस करते हैं कि डीएवी मेन कॉलेज, बीएड कॉलेज और डीएवी स्कूल, इसकी बिल्डिंग्स में और इनके शैक्षणिक स्तर में बहुत ज्यादा बदलाव आया है और हम डीएवी मैनेजिंग कमेटी के शुक्रगुजार हैं जिनकी गाइडेंस से हम ये सभी पीढ़ियां सीढ़ियां आगे चढ़ रहे हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ प्रिंसिपल सर से कि कृपया फूलों से स्वागत के बाद वो अपने शब्दों के साथ आए हुए मेहमानों का स्वागत करें और सर के वेलकम नोट के बाद ईश वंदना वाली बच्ची अनिका तैयार रहे।
हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय नेशनल एससी कमीशन श्री विजय सांपला जी, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार जी, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सचिव प्रिंसिपल डीएल अनाम जी, मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस बीरर्स एवं सदस्यगण तथा डीएवी कॉलेज होशियारपुर सोसाइटी के सभी मेंबर साहबान का मैं आज के इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ अनमोल पल निकाले और बच्चों को आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन देने के लिए यहां पहुंचे। इसके साथ ही मैं समारोह में शामिल होने आए हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों, समय समय पर स्कूल को सहयोग देने वाली विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों के माता पिता का भी स्वागत करता हूं। स्कूल ने इस साल अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1898 में अपनी स्थापना के बाद से यह स्कूल निरंतर समाज में शिक्षा का प्रकाश फैला रहा है और यहाँ से पढ़ निकले विद्यार्थी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतम व्यक्तियों में शामिल हैं। उद्योग, राजनीति, शिक्षा, बिजनेस, सेना, ब्यूरोक्रेसी, मेडिकल सेवाएं और इंजीनियरिंग सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में स्कूल के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों और मूल्यों आधारित गुणों का विकास करने की और भी विशेष ध्यान दिया जाता है। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की देखरेख में और अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार जी तथा सचिव प्रिंसिपल डीएल अनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन से यह संस्था लगातार तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही है। हाल ही में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है और विभिन्न विद्यार्थी भलाई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिसमें डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का अनुपम मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। संस्था में करीब 1200 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्हें शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ खेलों, एनसीसी, एनएसएस, अन्य शिक्षण सहायक गतिविधियों के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है तथा साथ ही साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। आज के इस समारोह में माननीय मुख्य अतिथि जी द्वारा उन सभी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने शैक्षिक तथा सहायक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैं एक बार फिर से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सांपला जी, मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार जी, सचिव प्रिंसिपल डी एल अनंत जी, कमेटी के ऑफिस बीरर्स और सदस्यों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने और उत्साह बढ़ाने के लिए वे अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर यहां पधारे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thanks for the welcome note from all of us. आप देख रहे होंगे कि हमने ज्योति स्टैंड के साथ नटराज की मूर्ति को रखा है। शिवा का स्वरूप नटराज, जो कि सभी कलाओं के लिए प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद सर। नटराज, जो कि सभी कलाओं का प्रतीक माना जाता है, शिवा के कितने रूप हैं, जिनमें से एक नटराज। पूजते हैं वो लोग जो कला की पूजा करते हैं, किसी भी कला में जाना चाहते हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संभाषण का हो। हमारे स्कूल की बच्ची अनिका
इन्हीं को समर्पित वंदना लेकर आ रही है शिव वंदना। म्यूजिक सेट कर्टन्स ऑफ प्लीज। शिव वंदना लेकर आ रही है अनिका। इसके बाद मेरा रंग दे बसंती चोला वाले बच्चे तैयार रहे। प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी अनिल सर। आपकी मेहमान निवाजी बहुत खूबसूरत है पर मेहता सर बिना प्लेट के बैठे हैं। मेहता सर प्लीज कुछ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। थैंक यू।
डॉक्टर साहब, एक बात के लिए मैं विशेषकर आज आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एडवांस टेक्नोलॉजी का जो समय आ रहा है, हमारे स्कूल को उसके साथ जोड़ने के लिए मैं बहुत ही खुशी से ये अनाउंस कर रही हूँ स्टेज से कि हम भी अब ऑनलाइन हो गए हैं, ऑनलाइन के जमाने में। और आज जो पेरेंट्स यहाँ नहीं आए, जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, वो हमारे इस इवेंट को सांपला सर ऑनलाइन देख रहे हैं जीबीसी अपडेट के माध्यम से। एक बार जीबीसी टीम का हम सब करतल ध्वनि के साथ तालियां बजाकर धन्यवाद करेंगे। शिव वंदना के चलते हमारे मध्य मीना शर्मा मैडम एमसी पहुंचे, जतिन मल्होत्रा सीए सर पहुंचे, विजय बग्गा सर पहुंचे, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो गेस्ट हमारे आज इसके दिन की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे जितने भी डीएवीज में एनुअल फंक्शंस होते हैं वो सब किसी ना किसी थीम के तहत होते हैं, तो आज का जो हमारा थीम है सर, मैं मंच पर बैठे हुए गणमान्य सीएमसी मेंबर्स और बाकी गेस्ट को ये ध्यान दिला देना चाहती हूँ कि हमारा जो आज का फंक्शन है उसका थीम है मेरी माटी मेरा देश। आप सबके सामने जो प्रोग्राम की आइटनरी भी पड़ी है उस पर भी आपने देखा होगा कि एक दो आइटम्स तो स्पेशली उसी नाम से है, मेरी माटी मेरा देश। ये मिट्टी है, ये देश है जो हमें समृद्ध करता है परंपराओं से, साधनों से और जीवन जीने के मापन से। सपना मैम ऑल रेडी, पर्दा कर दिया जाए परे। धन्यवाद। मेरा रंग दे बसंती चोला। थैंक यू। छोटे बच्चों का तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन करने के लिए। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, बहुत दिन लगते हैं, बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है नन्हे मुन्ने बच्चों को किसी एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, तो आपकी तालियां इनका सबसे बड़ा संबल है। थैंक यू। प्रस्तुत है मेरा रंग दे बसंती चोल। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।
दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे पूछे सलाम इन बच्चों की टी शर्ट्स के पीछे अगर आप देख सके हो तो मेरी माटी मेरा देश का थीम था। मेरा ख्याल बच्चे भूल जाते हैं। नमस्कार प्रशांत, जैसे मैं आपको पहले भी कह चुकी थी कि जब हमने आई एम टॉकिंग अबाउट 1992 डॉक्टर साहब जदों 92 दे फंक्शन असी स्टेज पे परफॉर्मेंस कराई थे, नर्सरी पहली क्लास के बच्चे इतनी सुंदर ड्रेसेस डालकर खड़े हैं और जैसे ही पर्दा हटता है वो बच्चे चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया क्योंकि बच्चों को हम क्लासरूम में तैयारी कराते थे तो वो बड़े कॉम्फर्टेबल रहते थे। जैसे ही उन्होंने इतनी बड़ी पब्लिक देखी वो समझ ही नहीं पाए कि हम क्या करें। इन बच्चों ने भी एंड में आप सबके सामने आकर बैठना था और इनकी बैग के पीछे हमने तिरंगे लगाए हुए थे मेरी माटी मेरा देश लिखकर। पर चलिए, मुझे लगता है बच्चों की भावना आप तक पहुंची है, बच्चों का संदेश आप तक पहुंचा है। प्रशांत सेठ जी प्रिंसिपल एसटी कॉलेज हमारे मध्य पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। वरुण शर्मा जी प्रिंसिपल एपी सिंह, संदीप जी, सुभाष गांधी जी मैम और पुराने कलीग बंसीलाल सर बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस दिन में हमारे साक्षी बने। जब हम भारत की बात करते हैं तो अनेकता में एकता की बात होती है, विभिन्न रंगों की बात होती है, अनेकों अनेक भाषाओं की बात होती है, तरह तरह के परिधानों की बात होती है। जब फंक्शन शुरू हुआ तो एक बच्ची ने नेपाली ड्रेस डाली हुई थी। भारत की मिट्टी में एक ऐसी प्यारी खुशबू है जो हर रंग, हर जाति, हर धर्म, यहाँ तक कि हर राष्ट्र को अपने आप में समेट कर एक खूबसूरत गुलदस्ता बना देती है। और इस गुलदस्ते में बेहद खूबसूरत रंग निकलते हैं, प्रेम के, राष्ट्र भावना के, तरक्की के, खुशहाली के, और वो रंग आज आप सबके चेहरों पर हमें नजर आ रहे हैं। बेहद खुशी की बात है कि भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करके अपने भीतर सिमटी हुई बेहद बेहद सारी मुश्किलों को तय करता हुआ अपनी मंजिलों की ओर जा रहा है। और उन मंजिलों में अगर डीएवी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा धन्यवाद मैं अपनी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी को देना चाहती हूँ। सर, आज अगर हम राष्ट्र लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने बच्चों को खेलों में भेज रहे हैं, या बच्चे डिबेट्स में प्राइजेस ले रहे हैं, या करिकुलर एक्टिविटीज में प्राइज लेकर आ रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, आप लोगों का सफल मार्गदर्शन और उस मार्गदर्शन में अध्यापकों का जमकर काम करना।
मैं एक बार फिर तहे दिल से डॉक्टर साहब और डीएल आनंद सर का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ डीएवी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपना वर्द हाथ रखते हुए। और हम भारतीय संस्कृति के अनमोल रंगों की परंपराओं की बात कर रहे थे, उसी परंपरा की एक झांकी लेकर मैम म्यूजिक तैयार। अनेक रंगों से सजा एक भारत श्रेष्ठ भारत आपके सामने प्रस्तुत है। जरा ताली बजाकर उनका स्वागत कर दिया कीजिए। आपकी तालियां उन बच्चों में मोबिलिटी ले आती हैं, बहुत अच्छे किस्म के मोबिल ऑयल का काम करती हैं। थैंक यू। म्यूजिक प्लीज। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे नावी हर खाए हयु हाय हाय आशारी केड़ो बिखराए उमंग भी छलका ते मन अड़वे थी गुनगुनाए हाय हाय हरे हाय हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल मेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 सज सजी रो शुभ घड़ी चे आवी आचा आचा टम टमता शमणाओ चे रावी बदला मौसम बदली नजारिया बदला ही नजरिया
हेलो, थैंक यू स्टूडेंट। तो ये रंग बिरंगे झांकी कैसे लगी आपको भारत की, जरा तालियों से जवाब दे दीजिए, अच्छा लगेगा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद मीना मैम, मोनिका मैम, कांता मैम, बेहद स्वागत। गुरमीत सिंह सर, फॉर्मर सरपंच बागपुर, बेहद स्वागत। सीमा मैम सीए, बेहद स्वागत। गिद्दे वाली बच्चियां बेटे, जब कोई भी गेस्ट आते हैं तो फिर आप लोग वो चेयर छोड़कर पीछे आ सकते हैं, ठीक है बेटे? अगर कोई गेस्ट आए और उनको चेयर की जरूरत हो, मेरे ख्याल विक्रम सर वहीं बैठे हैं, वो इस चीज को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, अब तक की हमारी जितनी भी आइटम्स हुई उनमें एक तो हमने शिवा का क्लासिकल नृत्य देखा, उसके बाद डांस परफॉर्म करते हुए बच्चों ने बलिदान की भावना से ओत प्रोत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की झांकी आपको बताई। उसके बाद अनेक रंगों से सजा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब देश की बात होती है, मंच के पीछे जो बच्चे अपनी सेटिंग कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम रखें, हालांकि ऑडियंस समझती है कि जब कोई बहुत ज्यादा नंबरों वाली आइटम आनी होती है। अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि पर्दे के पीछे वाला सीन तनाव वाला भी होता है और बहुत ज्यादा बनाव वाला भी होता है, उसमें टेंशन भी है और उसमें मैंशनिंग भी है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अब जो इवेंट आपके सम्मुख लेकर स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, उसका सीधा सीधा ताल्लुक हमारे देश के अमन और शांति से है। हम आराम से रात को सो सकते हैं, जहां चाहे कोई फंक्शन करा सकते हैं, जहां चाहे गैदरिंग कर सकते हैं, पर ये सब संभव करने के लिए सीमा पर हमारे जवान प्रहरी बनकर डटे हुए हैं। गर्मी, भीषण सर्दी, बारिश, कैसा भी मौसम हो, राखी, दिवाली, लोहड़ी, कभी कभी तो उन लोगों की तिरंगे में लिपटी हुई उपस्थिति लेकर घर आती है। बहुत ज्यादा जज्बा भरा होता है उन बच्चों में जो फौज ज्वाइन करते हैं, हालांकि हर एक प्रोफेशन की जरूरत है, अध्यापकों की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, सियासदानों की जरूरत है, साइंसदानों की जरूरत है, लेकिन ये सारा चक्र चलता रहे और देश का जो संविधान का स्वरूप है, देश का जो आकार है, जो नक्शा है, वो बना रहे, इसके लिए हमारे प्रहरी, हमारे सैनिक जिस तरह की मेहनत करते हैं, जिस तरह के, एक सैल्यूट की ताली मार दीजिए उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को सेना में भेजती हैं। कितना बड़ा जिगरा रहता है उस माँ का जब उसका बच्चा कहता है मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ। कमाते तो वो भी हैं, पर लौट आएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इसी तरह की सपना मैम, ऑल सेट, बैक स्टेज सेट, उनके साथ थोड़ा तालमेल रख लिया कीजिएगा। दिल थाम कर उन नौजवानों को याद कीजिए जो सीमा पर, बॉर्डर पर प्रहरी बनकर बैठे हैं और आपके सम्मुख पर्दे के पीछे तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा। हो सकता है आइटम्स के चलते कुछ ऐसे बेहद खास मेहमान पंडाल में आकर बैठे हूँ जिनका मैं नाम ना ले सकी हूँ, पर याद रखिए मेरी बेनाम चिट्ठियाँ, स्कूल की बेनाम चिट्ठियाँ आपके नाम हैं। आप सब यहाँ पहुँचे हैं, जितने कदम भी आप चलकर पहुँचते हैं उन सब कदमों को सलाम, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा।
अरे माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार दो राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है, आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल गए खून कहे। Oh, no, 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 no.
शीतलां शस्यशामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मयच शीतलां शस्यशामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मयच शीतलां शस्यशामलां मातरं वन्दे बहुत बढ़िया बच्चे। सो ऑडियंस हाउ वाज द जोश? थैंक यू। देश प्रेम में ओतप्रोत, भावनाओं को खुद में समेटे तिरंगे की शान, यही जवान तो हैं आने वाले भारत की आन बान शान। यही उम्र है स्कूल में पढ़ते हुए जब आपके भीतर आपके टीचर कूट कूट के भर देते हैं देश प्रेम का जज्बा। आई गेस माहौल थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ा सा सीरियस हो गया। इवन आई वॉज हैविंग गूज बम्स व्हेन दीज बॉयज वर परफॉर्मिंग। सैंपला सर, कैसी थी परफॉर्मेंस? धन्यवाद। अब उस उम्र में आपको ले चलती हूं जब आप नन्हे मुन्हे से थे, छोटे छोटे से, और छोटी छोटी बातों पे दिल मचलता था। चीनी खाने को दिल करता था, चंदा को हम मामा कहते थे, और रेत के घरौंदे बनाया करते थे। ऑडियंस में बहुत से पेरेंट्स बैठे हैं, हाथ खड़ा करके कोई इस बात को बता सकता है कि आपने कभी मिट्टी के घर बनाए थे कि नहीं? वेरी गुड, मैंने भी बनाए थे। अनंत सर, भल्ला सर, बचपन का वो दौर जब हम खेल खिलौनों से खेलते थे और चीनी तो अमृत लगती थी, आज आपको यादों के उसी गलियारे में ले जाएंगे हमारे प्राइमरी विंग के बच्चे। जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरे टीचर सामने बैठे हैं, श्याम सुंदर सर बैठे हैं, भल्ला सर बैठे हैं, अनंत सर बैठे हैं, शर्मा सर बैठे हैं, शरणजीत सर बैठे हैं, मेरे प्रिंसिपल गौतम मेहता सर बैठे हैं, और मेरा स्टूडेंट प्रशांत बैठा है जो आज खुद एक प्रिंसिपल है। तो एपी सर बैठे हैं, प्रिंसिपल सर बैठे हैं, और आपके पीछे जितने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बैठे हैं, बड़ा फखर महसूस होता है जब हमारे बच्चे कुछ परफॉर्म करते हैं। क्यों बंसीलाल सर? जब बच्चे परफॉर्म करते हैं और हम लोग बिल्कुल चुप करके उनको ताकते हैं। तो चलिए अब एक उस उम्र में ले जाती हूँ जहाँ चांद, आशियाने, चीनी, चींटियां बड़ी प्यारी लगती थी। मैम, ऑल सेट? प्ले द म्यूजिक प्लीज। कर्टन वाले बच्चे जरा पर्दा हटा दें और जरा तालियां बजाकर बच्चों का स्वागत कर दीजिए। चंदा
रखा है। मैं बहुत ही सम्मान से आमंत्रित करती हूं मंच पे हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री सांपला जी, डॉक्टर अनूप कुमार, सेक्रेटरी डीएल अनंत सर जी, मैनेजमेंट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी श्री डी एल अनंत जी, आई रिक्वेस्ट जस्टिस सर टू प्लीज काइंडली एस्कॉर्ट देम टू द स्टेज। मेहता सर, शरणजीत सर, पीसी शर्मा सर, भला सर, श्याम सुंदर सर, क्योंकि बच्चों के लिए बड़े मान की बात है जब आप जैसी विभूतियां मंच पर खड़ी हों और बच्चे उनसे प्राइज लें। बग्गा साहब, गांधी सर, भला सर, आनंद सर, क्योंकि आप में से बहुत सारी विभूतियां तो डीएवी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट, अध्यापक और प्रोफेसर रहे हैं। बहुत सम्मान से मैं आप सबको मंच पर आमंत्रित करती हूं एकेडमिक प्राइजेस के लिए। प्राइजेस वाली टीम और बच्चे शील्ड्स के साथ तैयार हैं। सरिता मैडम, हम एकेडमिक प्राइजेस में प्राइमरी विंग से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट एक एक क्लास के तीनों बच्चे मंच पर आते जाएंगे। जसजीत सर कृपया ध्यान दें, एक क्लास की। एक थोड़ी सी फेरबदल है जो मेरे तक नहीं पहुंची थी। पहले सभी क्लासेस के थर्ड छात्र
प्रबोध दीदी नमस्कार, आपका बेहद स्वागत। सभी क्लासेस के थर्ड विद्यार्थी दिलजोत सिंह, सुमीक्षा थापा, विशाल, रमनीत कुमारी, सत्यम, प्रकाश कुमार, प्रिंस कुमार, जानवी, मनप्रीत कौर, तरुण पाल, सिमरन कौर, गुरनूर सैनी, केशव शर्मा, जसप्रीत, कृष्णा मल्होत्रा, रतन कबीर। जो बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा, वो भी एक मिनट के लिए अपना प्राइज लेने के लिए मंच के पीछे से आ जाएं। आ जाइए फटाफट फटाफट मंच पे आ जाइए। अब तो रेलिंग भी है, आप आराम से पकड़ के आ सकते हैं। शाबाश शाबाश, कम ऑन। छोटे बच्चे सामने खड़े हो सकते हैं ताकि आप सब फोटो में कवर हो जाएं। बाकी फोटोग्राफर भाई साहब सामने खड़े हैं, वो अपनी डायरेक्शन दे देंगे। बैठ जाएंगे बच्चे। बेटा प्लीज फोटोग्राफर अंकल की डायरेक्शंस को सुनिए। इसका मतलब है जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं उनको खुशी ही नहीं है कि आपके बच्चों को प्राइज मिल रहा है। पेरेंट्स, दोस्त, टीचर्स, दिल खोल के तालियां मारिए। सबसे बड़ा प्राइज आपके पास है, आपके हाथों में आवाज है, इसका इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार सर, दीक्षु भैया के साथ बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। नमस्कार संजीव तलवार भाई साहब, प्लीज मंच पे आ जाएं। प्लीज गुरमीत सर सरपंच, आपका बेहद स्वागत है सर। नमस्कार हरप्रीत सर, मेरे सामने बैठे हैं, स्वागत। जब अपने इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स आकर साथ दे देते हैं तो आपका जो वेड़ा है वो और बड़ा हो जाता है। सर मेरे सामने बैठे हैं, स्वागत सर आपका। ये सर जिन्होंने तब ब्लाइंड्स वाला टूर्नामेंट करवाया था, स्वागत है सर आपका। अब सेकंड बच्चे सभी क्लासेस के मैं नाम ले रही हूँ। चरणप्रीत सिंह, मोक्ष, सुनैना, कृष्ण चौपाल, तन्वीर महे, अभिनव गिरी, दीपक कुमार, नितेश कुमार, कुलतरण कौर, अमनप्रीत कौर, गुरजोत सिंह, करणजीत। मंच पर आसीन सभी मेंबर साहिबान का मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगी सर कि इस बार हमारे तीन बच्चे विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। एक बच्चा अमृतसर में गया है, एक पुणे में गया है, एक बच्चा फरीदकोट में गया है और काफी बच्चे बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए हैं। एक बच्चा थापड़ में गया है। और आपके काबिल नेतृत्व में डीएवी इंस्टीट्यूशन अपना नाम बना रहे हैं और देश की शान बढ़ा रहे हैं। ये सभी क्लासेस के सेकंड बच्चे थे। अंजलि बेटा, आपका नाम लिया है मैंने, आपको भागकर आ जाना चाहिए था। अंजलि महे स्पेशली आपका नाम लिया है। नाले पुत्र जेदा प्राइज होंदा हो भला नाम उड़ीकदा, वो तो भज के आंदा। जरा तालियां बजा दीजिए प्यारी ऑडियंस। अगली बार सर को बोलेंगे कि ऑडियंस का भी एक प्राइज रख देते हैं। जिस साइड से बिना कहे ताली की आवाज है उस ऑडियंस को स्पेशल एस्प्रेसो कॉफी दी जाएगी। अभी मैं अनाउंस कर रही हूँ हर क्लास के फर्स्ट विद्यार्थी का नाम। मयंक,
चरणप्रीत सिंह, सॉरी मयंक, राहुल थर्ड क्लास में भी, राहुल, राधेश बद्धन, राजवीर, तमन्ना, सोनी, मनदीप सिंह, नितेश कुमार, युतिका वालिया, अरुण बैंस, भविष्य चौहान, मंगेश कुमार, वंश बरूटा, ओम प्रीत सागर, हिमांशु मरवाहा, जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं, कंटिंजेंट इंचार्जेस कृपया ध्यान दें, कोई भी बच्चा अपना कॉस्ट्यूम अभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट्स की बाद में चीफ गेस्ट के साथ एक ग्रुप फोटो होनी है। आई अगेन अनाउंस, नो पार्टिसिपेंट शुड चेंज देयर कॉस्ट्यूम्स एंड कम इन देयर कैजुअल्स, बिकॉज वी ऑल शैल बी हैविंग अ ग्रुप फोटो विद आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट। कोई भी पार्टिसिपेंट अपना कॉस्ट्यूम नहीं बदलेगा बेटे, थोड़ी सारियां दी बाद विच फंक्शन खत्म होने ते नेशनल एंथम तो पहला चीफ गेस्ट सर नाल एक ग्रुप फोटो कीती जाएगी। थैंक यू। बख्शी सर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच के पास आए। बख्शी सर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच के पास आए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं जितने भी गणमान्य गेस्ट मंच पर हैं, उनको कुछ क्षणों के लिए विदा लेने का निमंत्रण देती हूँ। और सांपला सर आप जरा यही विराजिए, अभी बच्चे आपका प्रबोधन सुनेंगे। डॉक्टर साहब, सांपला सर से मेरा निवेदन है कि अब वो बच्चों से मुखातिब हों। आई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर टू प्लीज एस्कॉर्ट हिम टू द स्टेज। सांपला सर, बेहद अभिनंदन आपका और मंच पे आपका स्वागत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही सत्कारयोग सामने बैठे डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजमेंट के प्रधान डॉक्टर अनूप जी और उन्होंने नाल सेक्रेटरी जिन्होंने बहुत लंबा समा इस डीएवी की सेवा भी की, ऐसे डीएल अनंत जी, श्याम सुंदर जी भला साहब और बहुत ही सत्कारयोग सारे प्रिंसिपल साहबान, बाकी स्कूलों में मैं देख रहा थी, आशा पूर्ण सिंह जी, प्रियंका जी सारे बैठे थे और सारे सत्कारयोग साथीगण, स्कूल के प्रिंसिपल जी राजेश जी और प्यारे प्यारे बच्चे और उन्होंने माता पिता और आले दुआले आए सारे ही बहुत ही सत्कारयोग होशियारपुर के पतवंत सज्जन,
अज डी ए वी कॉलेज डी ए वी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जोड़ा है वह आयोजन किया जा रहा है और वे सारे के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होया। अज जो मैं बैठा देख रहा इस कार्यक्रम का थीम भी रखा गया सी कि मेरी माटी मेरा देश। वैसे तो मैं जिन्हें भी डी ए वी स्कूल के फंक्शन अटेंड किए कि हर फंक्शन कितने ना कि कोई ना कोई मोटिव रहा है, कोई ना कोई उसका थीम दिता गया। पिछे जो भी मैं देखा सी स्पून जी बैठे ने उन्हों का बिरंगा पंजाब की सी, खुशहाल पंजाब की सी। और अज मेरा माटी मेरा देश दे जड़ी ये थीम नू लैके असीं अगे वधे, क्योंकि वैसे तो सारे स्कूलों फंक्शन तो होने होंगे, सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होंगे, पर ये थीम्स के भी कुछ मतलब होंगे है कि असी किस मुद्दे नू किस भावना के नाल लैके जा रहे हैं। उस साडी भावना की जुड़ी, क्योंकि किसी भी देश की जिहड़ी सरहदां दी एक बाउंड्री तो बनी होंगी है, पर देश नू जे एक मिट्टी का टुकड़ा या जमीन का एक टुकड़ा मान के असी करांगे तो शायद साडे च वह प्यार भावना जिहड़ी है वह नहीं दिख सकती। पर जदों असी उस नू भावनात्मक रूप से देखते हैं तो फिर वो बहुत वड्डे डूंघे भी मतलब निकलते हैं। वैसे तो कहते हैं कि एक बिल्डिंग बनाओ उहदे च अगर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर दो तो गुरुद्वारा बन जाता है। उस बिल्डिंग दे विच अगर गीता बाइबल रामायण महाभारत रख दो तो मंदिर बन जाता है। उस ही बिल्डिंग दे विच जे बाइबल रख दो तो गिरजा बन जाता है। भाव उस नूं किस तरीके नाल तुसीं देखना चाहते हो वह अलग अलग बन जाता है, पर एक इमारत उही है। पर उसनू किस तरह की खूबसूरती देनी चाहते हो, किस भावना का देना चाहते हो, वो एक जरूर वो जुड़िया जरूर रहता है जिहड़ी अंतर आत्मा तो जुड़ता है। और जो असी इस तरह के विचार करते हैं तो फिर सानू देखना पैंदा कि इसनू सुरजीवित कितना करना, उस बिल्डिंग नू जिस दे विच घर बनाना है, घर दे विच रहण वाले कौन ने, उहदे उत्ते बहुत कुछ मिलदा। बहुत वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बन जांदियां पर उसनू उहदे अंदर जान फूकण वाले व्यक्ति जिहड़े हुंदे उसनू ही घर जिहड़ा बनांदे उहदी भावनात्मक जोड़दे ने, उहनू भावना जिहड़ी उस भावना नू ही घर कहिंदे ने, नहीं तो उहनू हाउस एक बिल्डिंग भी कहिंदे। और इसे तरह ही देश जिहड़ा है उह एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, उहदे विच साडियां सदरां साडियां कीमतां साडी संस्कृति साडा प्यार वो सारा कुछ छुपिया रहिंदा है। हुण इत्थे एक लड़की बैठी उहदे सिर ते ताज लगा हाथ तिरंगा फड़िया है, उहनूं पुछण दी लोड़ नहीं की है, उहदा सारे कहणगे भारत माता दा जिहड़ा है स्वरूप है। और एक लड़की है पाप उहदे विच एक भावनात्मक जिहड़ा सानूं दृश्य भी दिखता है, उहदे विच सानूं जिहड़ी है उहदी एक आत्मा जिहड़ी साडी देश दी है उह भी दिखाई दिंदी है, साडी संस्कृति दिखाई दिंदी है। और जिन्ने भी कार्यक्रम हुए ने हुण तक वो सारयां दे विच किते ना किते वो देश प्यार भी छलकदा है। और देश दा जिहड़ा हुणे मैं देख रहा सी कि मैडम कह रहे सी कि कमाई तो उत्थों भी होनी है फौज जाके भी, पर कल्ली कमाई दे लई नहीं जांदा उह, जे कमाई करनी होवे तो कमाई दे साधन होर बहुत ने, पर वो एक देश दे उहदे विच इक अंतर आत्मा जिहड़ी है उहदी आत्मा जुड़ी है कि देश दे नाल किते ना किते प्यार है, उस भावना दे नाल जिहड़ा फौज जांदा है। और असी जदों किते भी ऐसी वर्दी नूं देखदे हां ते साडा भी दिल दे अंदर जिहड़ा उहनां दे प्रति सत्कार हुंदा है। और देश दा झंडा किसे दे हत्थ च फड़िया होवे ते जदों किते फड़ के ऐ लहराउंदा है ते उह अपने आप दे विच जिहड़ा उहदे अंदर अनुभूति हुंदी है उह शायद शब्दां दे विच बयान नहीं कर सकदे। सो भाव उह मेरी मिट्टी मेरा देश जिहड़ा पिछे जे हुणे प्रधानमंत्री जी ने भी इस दे कार्यक्रम शुरू किया, पूरे देश दे विच मेरी माटी मेरी देश दा कार्यक्रम शुरू किया है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इहदा की मतलब, पर प्रधानमंत्री जी ने देश दे विच एक स्मारक बनाउण दी कीता है कि देश दे विच जिथे जिथे भी
हर घर दे विचों मिट्टी लावे, जिन्हां ने देश लई जान वारी है उन्हां दे लई भी आवे, और उहदा देश दा इक समारक बने। हुण बिल्डिंग तां जिथे मर्जी बना सकदे आ, बिल्डिंग तां कितों भी इट्टां खरीदियां जा सकदियां, सीमेंट रेता बजरी कीती लई जा सकदी है, पर हर घर उस घर चों जिस घर ने किते ना किते देश दी सेवा च योगदान पाया, उस घर चों मिट्टी जाके उस समारक च बने, तो उहदे च जिहड़ा ओदी भावना की हो सकती है कि शायद मैं उन्हें शब्दों चेर नहीं पा रहा, उन्होंने नहीं दस पा रहा, पर एक प्यार पूरे देश का समाज का जोड़ा वो प्यार बनता है, और उ एक जो समारक सही जानी मतलब के बनता है। सो ये भावनात्मक जोड़ा जोड़ा देश में जुड़िया है, और वो साड़ी संस्कृति न जुड़िया है, और उस संस्कृति जिंदा रखने अपने इतिहास को जिंदा रखने डीएवी का बहुत बड़ा योगदान शुरू तो रहा है, और वो चाहे अंग्रेजों के समय तो मैं कह दिया कि जो साडे देश का इतिहास बदलने की भी गल की, तो उस इतिहास को बचाने के लिए, उस देश की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारिया संस्थावां अगे आई, जिदे विच एक डीएवी भी बहुत महत्वपूर्ण सी, और उन्होंने अज जे मैं कह दिया कि देश नूं अज फिर उस अक्ष दे उत्ते उभार के रखा है, अपनी संस्कृति नूं जिंदा रखा है, तो उहदा बहुत वड्डा योगदान जिहड़ा है वह डीएवी का है, डीएवी संस्थान बहुत वड्डा योगदान जिहड़ा इहदे विच पा रहे, और इन्हां दा भी जिहड़ा सिक्ख्या दे तौर ते मैं देख रहा कि बहुत सारे बिजनेस तां चलदे आ, पर डीएवी का जो बिजनेस के रूप से नहीं काम करता, भाव वो मेरी माटी मेरा देश का की मतलब है, मेरे खुशहाल पंजाब का की मतलब है, उन्होंने सारे का मतलब की है, उस पहला तय करते हैं, उस तो बाद नीति होंगी है, और उस नीति के उत्ते काम करते हुए जो अभी अगे बढ़ते हैं तो फिर बच्चों भी टैलेंट जोड़ा आ उस भावना के नाल जुड़िया हुआ आता। ये मैं डीएवी का बहुत दिल दिया गहराइया चो सत्कार धन्यवाद भी करदा, पर अक्सर मैं सुझाव भी दिना हुन्ना कि भी असीं जिहड़े देश प्यार दे नाल जोड़िए, पर मैं हुण देख रहा सवेर दा कि जिन्नियां भी आइटमां आईयां कि उह सारियां किते ना किते उह देश प्यार दे नाल भी जुड़ियां। हुण मैं पिछे जे होर दूसरे कार्यक्रमां च भी सी समाजिक जरूरतां नूं भी पूरा करन दे लई कि साडे फर्ज की है, समाजिक जीवन दे विच जीउंदिआं असीं समाज नूं देणा की चाहुंदे आ, इहदे च काफ़ी प्रगति जिहड़ी है ਉਹ ਡੀਏਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡੀਏਵੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਕੂਲ ਆ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛਾਤੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕਿੱਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਏਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਈਟਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।
चाहे वह गिद्धा सी भंडा वाला डांस सी मंजा बुनने वाला सी पीढ़ी बुनने वाला पता नहीं की बड़िया आइटम सी पर तुहाडे किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं सी पर कंपीटीशन स्टूडेंट दे कंपीटीशन का हिस्सा सी भाव किते ना किते लोड़ जरूर महसूस होंदी है कि इन्हां दी भी साडे जीवन च जरूरत हैगी पर मोस्टली की आप कर रहे हैं कि बच्चों नूं असीं सिर्फ जिहड़ा सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं और उहदे लई जिहड़ा सिलेबस दे नाल नाल असीं किते जे उहनूं समाजिक सिक्ख्या दे विच साडे संस्कार की है सत्कार की है मां बाप भैण भरा दे प्रति साडा प्यार की है उह किते ना किते जरूर साडा जिहड़ा पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए और साड़ी संस्कृति का भी हिस्सा होना क्योंकि बहुत सारिया चीज़ा जिन्हिया बुराइया असं देखते हैं उन्होंने बुराइया के मेरा जो अपना मानना है कि जदों जदों भी असं अपने धर्म की उस लीह तो हटे मैं धर्म तो मतलब मैं किसी एक विशेष धर्म की गल नहीं कर रहा सारे चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे का धर्म जो हो सकता हरेक के इस प्रकृति जोड़ा है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਦਾਤ ਦਈ ਰਿਹਾ ਖੇਲੇ ਸਕਲ ਜਗਤ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ ਚੁਗਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੰਜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਜਕਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਜਾਈਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਰਾ ਦਾ ਭੈਣ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦਕਿ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੰਬਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਸੰਘਾਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜੋ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
दिल्ली के फरीदाबाद यूनिवर्सिटी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी। मैं उत्थे इसे ही मानवीय जीवन के मुल्यां दे उत्ते गल कर रहा सी, जो मैं दस रहा था कि साढ़े आरीतियां कि साढ़े पढ़ाई का सिलेबस तो जोड़ा उस माँ भैन भरा रिश्ते है ही नहीं, पर यह जरूर पढ़ाया जाता कि बड़े हो के कि तुसी अपने भरा कोलों प्रॉपर्टी के हिस्सा कितना खोना, ज्यादा हिस्सा खोना छोटे ने बड़े को बड़े को, यह पढ़ाने वाले बहुत व्यक्ति ने। पति पत्नी का जो कच्चे धागे का रिश्ता है वह तो पढ़ाने वाला कोई नहीं, पर इन्हों का डिवोर्स कराने वाले स्पैशलिस्ट अजकल बहुत फिरते हैं। पढ़ाई का सिलेबस क्योंकि उन्होंने पढ़िया ही है, उन्होंने किता यह है। सो साडा संस्कार और माँ बाप के प्रति तो श्रद्धा जी कितने होनी है, जेडे माँ बाप ने जड़िया नक रगड़ रगड़ के कितने ना कितने मड़िया मसीत गुरुद्वारे मंदिर के जाके पुत्रा की दात मंगी होंगी है, उही पुत्र उन्होंने जीते जी जो उन्होंने को प्रॉपर्टी खोते हैं तो फिर बड़ा दुख लगता है, पर जे उन्होंने कितने ना कि उस संस्कार जोड़िया हो फिर वह कितने ने वह। मैं जी गल दस रहा जो तो मैं कर रहा थी तो मेरे को एक बहुत सीनियर प्रोफेसर उसे जी कॉलेज यूनिवर्सिटी की थी मानव रचना यूनिवर्सिटी, वह आके रोन लग पे जो अभी स्टाफ ना बैठे थे कि मेरा अपना जीवन यहोजा है कि मेरा कोई पुत मैनू पुछता नहीं है, मेरा जड़िया मैनू घरों चो बहर जबकि वह अर्निंग जी मैडम है वह आप कमाई करती थी, पर पैसे है संतुष्टि नहीं। संतुष्टि क्यों नहीं? क्योंकि संस्कार नहीं। संस्कार इस करके नहीं कि ना तो असं धर्म ना जुड़े तो ना साड़ी सिक्ख्या दा सिक्ख्या जिहड़ी सानू दो गुणा दो चार ये पढ़ाया सारी जगह तय है, फार्मूला भी तय, पर हर मापे की भी कोशिश यही है कि दो गुणा दो इजिकल टू छे किदा सिक्स किदा करने हैं, ये मापियां की भी कोशिश है कि मेरे मुंडे नू इत्थे तक पहुंचा दे। सो कॉलेज स्कूल भी उस वेले कहिंदे जो लोग डिमांड करते हैं तो जिहड़ा सप्लायर भी आ उस तरह की डिमांड नू ही पूरा करता है, तो जे मापियां की डिमांड ओह जी है तो स्कूल का सिलेबस भी उस तरह हो गया, तो जे मापियां की डिमांड भी किसी बच्चे नू अच्छे संस्कारां वल हो जाए किते ना किते उदां दी उस सिक्ख्या दे प्रति उन्हां दी जागृति होवे ते नैचुरली कि स्कूल कॉलेज भी जिहड़े आ उह भी अपना सिलेबस उस तरीके नाल तय करन दे लई जिहड़ियां सरकारां भी सोच रही है। सो इस करके मैं जिहड़ी जिथे बाकियां नू बेनती करदा हुंदा इकल्ला स्कूल दा नहीं मापियां दा बहुत वड्डा रोल है, मापियां दी इच्छा ही कि मेरा मुंडा पढ़े ते अच्छी प्लेसमेंट लवे उहदे ते ना होके यह करे कि अच्छे संस्कार लै और संस्कार अच्छे होणगे ते पढ़ लिख के अगे जिहड़ा आ वो आपे ही नौकरी कर लेगा और नौकरी भी करेगा। मैं आपे दा शब्द शायद गलत होएगा, उहदी गाइड जिहड़ी है तुहाडे कोल होनी चाहीदी गाइडेंस, पर नाल नाल संस्कारां दे नाल जदों अगे वधेगा वो पैसा भी कमाउण लै, जे अच्छे संस्कार होणगे तो पैसे प्रति भी चिंता होएगी और अच्छे संस्कार होणगे तो सारे पासे वो चलेगा भी। सो मैं जिथे बाकी मैं डीएवी ने बहुत इस विषय के उत्ते जिहड़ी है तरक्की मैं कह सकता तरक्की कह सकता या उस भावना नूं समझिया उस भावना की लोड़ां नूं समाजिक जिहड़ियां साडियां लोड़ां नूं पूरा करन दे लई अपना योगदान जरूर पाया, पर उहदे योगदान दे नाल नाल कल्ला उहनां दे योगदान दे नाल कुछ नहीं होण वाला जिन्ना चिर मापियां दा योगदान उहदे विच नहीं होएगा। और मापियां दे योगदान दे लई थोड़ा सारे का सहयोग चाहिए है और वह सहयोग जदों मापे आण के कहण कि मेरे मुंडे नूं एक अच्छा नागरिक बनाउणा अच्छा बेटा बनाउणा अच्छा जिहड़ा आ एक कमाऊ पुत दे रूप दे विच बनाउणा एक परिवार नूं संभालण वाला बनाउणा तां फिर उहदी डिमांड भी उस तरह की पूरी जिहड़ी आ सप्लायर भी जिहड़े उहदे स्कूल भी है उस जिहड़ी डिमांड नूं पूरा करन की कोशिश करनगे। सो सारिआं तों वड्डा जिहड़ा साडा दायित्व जिहड़ा आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ। ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਏਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹਾਂ
सो इहदे लई मैं इह कहांगा कि मेरे प्रति मेरे लई कोई भी किसी तरह की भी सेवा होवे ते मगर मैं तुहाडे काम आया इस अच्छे काम दे लई इस देश नूं बनाउण लई नागरिक बनाउण लई समाज नूं सुधारन दे लई ते मैं अपने आप नूं सुभाग्यशाली समझांगा। इन्हां शब्दां दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय बहुत 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 धन्यवाद सर, कमाल का आपका उद्बोधन। और बेहद लाजमी और बेहद दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। संस्कार जब सिलेबस बन जाए और सिलेबस जब कंपटीशन बन जाए तो अपने आप अच्छे नागरिक निकलते हैं। और मैं आपकी पर्सनली बेहद शुक्रगुजार हूं सर कि आपने माँ बाप की बात जो यहाँ मंच से की, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि स्कूल कॉलेज अपनी जिम्मेदारी कर लेंगे तो माँ बाप का क्या है, हमने स्कूल भेज दिया है। पर माँ बाप का योगदान भी बेहद जरूरी है। सर ने बात की कि अपनी मिट्टी से कैसे जुड़ते हैं, भावनाएं कैसे पैदा होती है। एक छोटा सा ध्यान मैं प्रिंसिपल सर आपका रिफ्रेशमेंट कमेटी के मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन पे दिलाना चाहूंगी कि मंच के पीछे विद्यार्थी बैठे हैं और उनको पानी सर्व हो जाए। धन्यवाद सांपला सर, बहुत खूबसूरत समाज में से तुसी दित्ती। एक बार मैं अपनी पूरी ऑडियंस से कहूंगी कि आप ताली बजाकर इस चीज का समर्थन कीजिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देंगे। अच्छी विद्या देने का दायित्व तो डीएवी ने उठा लिया है। सांपला सर जदों साडे बुजुर्ग असीं उठदे हुंदे सीगे सवेरे कहिंदे सी हाथ धरती नूं मत्था टेक के उठो। मैं आज तक दोनों हाथों को देखकर मंत्र पढ़ती हूँ सुबह उठते। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। और बेटे आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि सर ने क्या मिट्टी नु चुमना, मिट्टी नु मत्था टेकना। श्लोक संस्कृत का है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। वो शिव की पत्नी है जो धरा है और हम उसको पांव से छूते हैं तो उनको नमस्कार करना है। अब हम अपनी अगली जो आइटम है स्किट मेरी माटी मेरा देश। बच्चे थोड़ा सा माइक सेट कर रहे थे तो मैंने ये समय लिया, अब उधर से नॉड हो गया है। स्किट मेरी माटी मेरा देश। इसके बाद इमीडिएट पापा के सपनों से कॉलेज तक का सफर तैयार रहे। उसके बाद शोमैन, उसके बाद एक प्राइजेस है और बस हम अपने फंक्शन के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। पर्दा पीछे कर दीजिए बेटे। स्किट के बाद पापा के सपनों के बच्चे पीछे ही तैयार रहे। स्किट की भावना भी सर देशभक्ति से उत्प्रोत है। मेरा ख्याल है बच्चे अपने माइक सेट कर रहे हैं और बेटा जैसे ही आपको इशारा हो पर्दा हिला दिया जाए। स्किट के बाद पापा के सपने, शोमैन, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी से मेरा निवेदन है कि स्पोर्ट्स प्राइजेस और एप्रिसिएशन अवार्ड्स के लिए हम तैयार रहें। 15 मिनट में ये सब चीजें सिमट जाएंगी। उसके बाद रितु मैम, सरिता मैम, जो भी कमेटी इंचार्जेस हैं अगले प्राइजेस के लिए तैयार रहेंगे। नेशनल एंथम के समय गिद्धा वाली लड़कियां यहां मंच पर खड़ी रहेंगी। टेक्नोलॉजी की अपनी सुविधा भी है और थोड़ी सी असुविधा भी है क्योंकि बच्चों ने
हैंड माइक्स लगाने हैं तो थोड़ी सी असुविधा हो रही है। हेलो हेलो, तब तक सपना मैम पीछे पापा के सपने और शोमैन वाले बच्चों को लाइन में खड़ा कर दीजिए। प्राइजेस इन चार्जेस कृपया बच्चों के साथ और ट्रेस के साथ रेडी रहें, क्योंकि हार्डली 15 मिनट के बाद हम अपना सेशन से शुरू कर देंगे प्राइजेस का। हमारे मेहमान भी इशारा कर रहे हैं कि मंच पर जल्दी से कार्यक्रम शुरू हो जाए। मेरी साउंड वाले भाई साहब से निवेदन है कि जरा आवाज को जल्दी सेट कर लिया जाए। बख्शी सर ऑल सेट? हेलो, अच्छा नहीं तो अगला आइटम कर ले। ओके सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी सैनिकों को निर्देश है कि तुरंत अपनी यूनिट में रिपोर्ट करें। बापू मैं चला। हुण किथे चला है? हुण तो तू हले आया। बापू तू रेडियो ते खबर नहीं सुनी? क्या बापू बॉर्डर ते जंग छड़ के मैनू जाना पैना। बापू किथे जाण दी लोड़ दी? बापू मैं चला। बिक्की खड़ जा। चला मैं। बिक्की खड़ जा पुत। ए ता हुण चला गया, रब भला करे।
और उधर सीमा पर किस तरह हमारे देश के वीर जवान अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए बिना इस बात की चिंता किए कि इनके बाद इनके परिवार का क्या होगा। और यह सिर्फ किसी एक विक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश में ऐसे सैकड़ों विक्रम हैं जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, और कुर्बानियों का यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। बिट्टू, हां जी बापू जी, कुत्तू रे गल सुन। आया बापू जी, तेरा वीरा आता होना, तुसी समान ले आंदा सारा शहरों, तुसी भैन घरे नहीं जाना रखड़ी बनाउण। हां जी बापू जी, समान ता ले आंदा नहीं मैं शहरों सारा, तुसी शहरों आंदे होए पैसे मिठाई ले आए हो। चल चंगा, मैं मिठाई भी लेऊंगा। हेलो हेलो हेलो, हां जी, क्या आप विक्रम सिंह के घर से बोल रहे हैं? हां जी, बिक्की दा बापू बोल रहा जी। बड़े दुख से आपको सूचित किया जा रहा है कि विक्रम सिंह अब नहीं रहे। केड़ा जेड़ा तू बकवास करी जांदा है, सवेरे सवेरे परे वाला दिन चढ़िया ते तू भौंकण लग गया। मैं विक्रम सिंह की बटालियन से बोल रहा हूँ, दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए विक्रम शहीद हो गए। बिक्की, बिक्की, बापूजी, बापूजी, बापूजी की होया था उन्हें बापूजी? पुत्र, तेरा वीरा, बिक्की की होया वीरा, आऊँगा तो सही ना, मेरे आऊँगा तो जरूर पुत्र, पर तिरंगे च लपेटिया। बापूजी मतलब तिरंगे च लपेटिया। तेरा मेरा शहीद हो गया, मेरा बिक्की, हाय हो बिटिया, मेरे आगा, हाय हो बिक्की। उस माटी का तिलक लगा कर पूजो हे संदेश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। साथियों, मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। तो देखा आपने कि कैसे हमारे देश की माटी से सोना उपजाने वाले किसान और हमारे भारत देश के वीर जवान देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम सबको भी इससे प्रेरणा लेकर जाति धर्म भाषा और इलाके के सभी भेदभावों से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए अपना योगदान देना होगा। यही हमारा इरादा, यही हमारा संदेश। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। धन्यवाद, थैंक यू बेटा। अब जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन की टीम है वो रेडी हो जाएं। हम लोग पहले स्पोर्ट्स प्राइजेस और एप्रिसिएशन अवार्ड्स, ठीक है सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तब तक हम लोग, आप लोग रेडी रहिएगा। और उससे पहले पापा के सपनों से कॉलेज तक का सफर, तब तक एक आइटम होता है। पापा के सपनों से कॉलेज तक का सफर। जब एक बच्चा छोटा होता है तो किस तरह उसके माँ बाप अपने सपनों की डोर उसको थमाते हैं और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है। सपना मैम, ऑल सेट बिहाइंड द स्टेज? थोड़ा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमको जरा जल्दी करना पड़ेगा बेटे। पर्दा परे कर दिया जाए। जितेंद्र, सिमरन,
ऑन द मार्क पापा के सपनों से कॉलेज तक का सफर। जिंदगी बेशुमार रंगों का एक लंबा सफर। कितने पड़ाव, पहला पड़ाव बचपन, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और हर पापा अपने सपनों की डोर अपने बच्चों को थमा देता है। माता पिता की उम्मीदों की उंगली थामे आगे बढ़ते हैं। सपने तो उन्हें याद है अपने माँ बाप के, लेकिन बचपन की शरारतों की मस्ती के रंग में रंगने से वे खुद को नहीं रोक पाते हैं। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी चलो चलो नए ख्वाब बुन ले। शुरू होता है किशोरावस्था का दौर, जब फूल कुछ ज्यादा महकने लगते हैं, बारिशें कुछ ज्यादा गीली लगती हैं और दिन रात कुछ ज्यादा रुपहले और दुपहले लगने लगते हैं।
डॉक्टर साहब एक आइटम है वो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हो जाएगी। अभी मैं बहुत सम्मान से मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के अध्यक्ष श्री सांपला जी को, डॉक्टर साहब को, अनंत सर को, प्रोफेसर भल्ला को, श्याम सुंदर जी को, मल्होत्रा साहब को, सुभाष गांधी जी को, पीसी शर्मा सर, शरणजीत सर, मेहता सर, कृपया मंच पर आए और हमारे जो होनहार स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको अपने कर कमलों से प्राइज से नवाजें। मुझे मंच से ये बताते हुए बहुत फख्र की अनुभूति हो रही है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रबोध दीदी, जसजीत सर, मैम को लेकर आइए ऊपर। मुझे ये बताते हुए मंच पर बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न स्पोर्ट्स में बेहद अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रही हूँ बैडमिंटन, जूडो नेशनल सेकंड, जूडो नेशनल पार्टिसिपेशन के विद्यार्थी राधिका शर्मा जो आज भी गई हुई है इंटरनेशनल बैडमिंटन लीग में, वो आ नहीं सकी। मोहित, अक्षत भारवाल, ये बच्चे स्टेज पर आते जाएं बेटा। इसके बाद आप तीनों बच्चे आ जाइए बेटे। पीटी से क्रिकेट दे बच्चे नाल राधिका शर्मा वाला बोलता सर। राधिका शर्मा के पेरेंट्स अगर पंडाल में बैठे हैं तो कृपया मंच पे आ जाएं। शिव सर आप आ जाइए, अश्विनी सर उसके क्लास इंचार्ज हैं वो आ जाएं। राधिका शर्मा बैडमिंटन रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन एशियन जूनियर चैंपियनशिप ट्वाइस इंडोनेशिया 2019-2023। गड़गड़ाहट में जोश होना चाहिए बेटे। रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप ट्वाइस स्पेन एंड यूएसए, ब्रॉन्ज मेडल इन सीनियर नेशनल गेम्स गोवा 2023, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गोल्ड एंड सिल्वर मेडल 2023। बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहित 12th जूडो नेशनल, अक्षत भारवल 10th जूडो बैडमिंटन। शिव सर इनके साथ हो जाइए, ठीक है। अब स्टेट बॉयज फॉर क्रिकेट, जसकरण सिंह रंधावा, भवनीत सिंह, वंश शर्मा, विकास कुमार, दीपक कुमार, मोहित, दिशांत, वंश, सूरज, विकी चौधरी, मुदित शर्मा, सोहानी, अनिकेत, रतन कबीर, फटाफट बच्चे मंच पे आ जाइए। आप स्पोर्ट्समैन हैं, फटाफट आ जाओ बेटे। जसकरण सिंह, भवनीत, वंश, जितने भी स्टेट के बॉडी हैं आ जाएं बेटा, शिव सर कह रहे हैं। रघु सर कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे आ गए हैं? सभी स्टेट प्राइज विनर्स अभी मंच पर हैं। बेटा इसके बाद बैडमिंटन गर्ल्स वाली बच्चियां लाइन बना लें। राधिका शर्मा, जतेंद्र कौर, सिमरन कौर 12th, सिमरन कौर दोबारा, सिमरन कौर डॉटर ऑफ बलराज सिंह, सिमरन कौर डॉटर ऑफ कीर्तिपाल सिंह,
जतिंदर कौर डॉटर ऑफ कृष्ण गोपाल, लाइन में खड़े रहे बेटे अभी। हरमन कौर डॉटर ऑफ इंद्रजीत सिंह, मनहीर गुरप्रीत सिंह, लाइन में रहे। इन बच्चों के उतरते ही बैडमिंटन गर्ल्स मंच पे जाएंगी। ताली बजा दीजिए जोरदार। धन्यवाद। बैडमिंटन गर्ल्स राधिका शर्मा, जतेंद्र कौर, सिमरन कौर, हरमन कौर, मनहीर। इन बच्चियों के बाद बॉक्सिंग अंडर 14 की टीम मंच के राइट साइड पर तैयार रहे। गणेश, सचिन, मोहित, दीपक, बेटा लाइन बनानी है। मनीषा रानी, जशनदीप सिंह, हरदीप सिंह, विवेक कुमार, अमन कुमार, कर्तव्य, सचिन कुमार। बॉक्सिंग अंडर 14, गणेश 7th क्लास, सचिन 9th क्लास, मोहित 7th, दीपक कुमार 7th, मनीषा रानी 7th, जशनदीप सिंह 8th, हरदीप सिंह 8th, विवेक कुमार 8th, अमन कुमार 8th, कर्तव्य 7th, सचिन कुमार 9th। ये बच्चे कृपया लाइन में खड़े हो जाएं। आ जाइए बेटे, जैसे ही वो बच्चे उतर रहे हैं आप आ जाइए। आप क्लैपिंग कर दीजिए बच्चे जब मंच पर जाते हैं। इन बच्चों के बाद बॉक्सिंग अंडर 17 बच्चे लाइन में रेडी रहे। वरुण डोगरा, मानव पट्टी, लव कुश, मनीष कुमार, नकुल कुमार, अंकुश कुमार, शिवम कुमार, आकर्षित, हेमंत शर्मा, जतिन, अभिषेक कुमार, आकाश कुमार, विक्की, सुमित, तुषार सैनी, तरुण पाल। ये बच्चे भी अंडर 17 के हैं। मंच पर आ जाएं बेटा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शोमैन यादों के झरोखे से वाले बच्चे तैयार रहे। बॉक्सिंग अंडर 19 बच्चे मंच के इस तरफ खड़े हो जाएं। सूरज कुमार, सूरज, कृष, पुष्पांग, विक्की, विकास कुमार, पीयूष, वंश कुमार, वंश शर्मा। ये बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं। अंडर 19, सूरज कुमार, सूरज, कृष, पुष्पांग, विक्की, विकास कुमार, पीयूष, वंश कुमार, वंश शर्मा। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। इसके बाद अंडर 17 वरुण डोगरा, मानव, मानव पट्टी, लव कुश। मेरा ख्याल यही टीम अभी आई है ऊपर सर, अभी आई है टीम। ये तरुण पाल वाली आई है सर, किक बॉक्सिंग वाले बच्चे इधर साइड पे खड़े हो जाएं। वरुण डोगरा, मानव पट्टी, लव कुश, मनीष कुमार, नकुल कुमार, अंकुश कुमार, शिवम कुमार, आकर्षित, हेमंत शर्मा, जतिन, अभिषेक कुमार, आकाश कुमार,
आकाश कुमार, विक्की कुमार, सुमित कुमार, तुषार सैनी, तरुण पाल, मेरे ख्याल बच्चे डबल हैं, वो दोनों तरफ प्राइजेस लेकर गए हैं। किकबॉक्सिंग अंडर 19, सूरज कुमार, सूरज, कृष, पुष्पांग, विक्की, विकास कुमार, पीयूष, वंश कुमार। इसके बाद रेसलिंग वाले बच्चे राजन, दाऊद, साइमन। राजन, दाऊद, साइमन, इसके बाद क्रिकेट टीम भवनीत सिंह, लकी, रमनीत सिंह, सुखविंदर, आर्यन, दक्ष, जसकरण सिंह, आकाश, विशेष पंडित, दमनप्रीत सिंह, युग ग्रोवर, साजन, गुरप्रीत सिंह, जसकरण सिंह, मोहित कुमार, गुरप्रीत सैनी तैयार रहे। रेसलिंग वाले बच्चे, बेटा आप लोग एक ताली बजा सकते हो जब आपके दोस्त मंच पर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स हर किसी के बस की नहीं होती, बहुत हिम्मत और जोश और डाइट का ध्यान रखना पड़ता है किसी गेम में आने के लिए। अब मैं, ये क्रिकेट वाले बच्चे खड़े हैं मंच के सामने, युग ग्रोवर वाले बच्चे हैं ये, इस लिस्ट वाले, ठीक है आ जाइए। इन बच्चों के बाद कबड्डी वाले स्टूडेंट्स वेदांत शर्मा, ईशान बंगड़, प्रिंस, सुनील कुमार, आकाशदीप सिंह, जसकरण सिंह, अंगद सिंह, बिस्मनजोत सिंह तैयार रहे। बहुत ऑनर का पल होता है जब मंच पर किसी बच्चे को सम्मानित किया जाए। वंश, अपने फ्रेंड्स के लिए तो ताली बजाते रहिए, मोबाइल घर जाकर देख लीजिएगा। एथलीट्स, एक कबड्डी वाले बच्चे हैं सर। एथलीट्स भवनीत सिंह, रवनीत सिंह, अभिषेक, प्रियांशु, प्रिंस ठाकुर, जगजीत कुमार, रवि राजकुमार। शोमैन वाले बच्चे पीछे अपनी सेटिंग कर लें बेटा, और मंच के पीछे से आवाज ना आए। ये एथलीट्स अभी आए हैं, वेदांत शर्मा, ईशान बंगड़, प्रिंस, सुनील कुमार, आकाशदीप सिंह, जसकरण सिंह, अंगद सिंह, बिस्मतजोत सिंह, ये कबड्डी वाले बच्चे अभी मंच पे हैं। इसके बाद एथलेटिक्स वाले बच्चे, जो कुछ बच्चे पीछे खड़े हैं बेटे, यहाँ मंच के सामने कुर्सियां खाली हैं, आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। एथलेटिक्स वाले बच्चे भवनीत सिंह, रवनीत सिंह, अभिषेक, प्रियांशु, प्रिंस ठाकुर, जगजीत कुमार, रवि राजकुमार।
audience, please clap for them. Any sport, any game is not an easy thing. अब मैं बहुत प्राउड से नाम अनाउंस कर रही हूँ गतका टीम का. जसवीर सिंह, हरप्रीत सिंह, चरणप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, रणदीप सिंह. जगत के वाले बच्चे शायद पीछे फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कोई नहीं, जो एक बच्चा है वही ठीक है. 1,25,000 से एक लड़ाऊंगा. जसवीर सिंह, हरप्रीत सिंह, चरणप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, प्रदीप सिंह, ये सभी बच्चे मंच के पीछे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक जोरदार ताली ऑडियंस की ओर से इनके लिए हो जाए. कमिंग टू अ वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट स्विमिंग, मुदित शर्मा, सुहानी सैनी, 11th क्लास के बच्चे हैं. मुदित शर्मा, सुहानी सैनी, मुदित शर्मा, सुहानी सैनी के पापा हमारे स्पोर्ट्स टीचर शिव सर अपनी बेटी के बिहाफ पर प्राइज देते हुए एक जोरदार ताली. फुटबॉल टीम अंडर 19, सुभाष, अमरजोत, साहिल गुप्ता, सौरभ कुमार, हर्ष कुमार, कृष, प्रियांशु, अभय कुमार, नितिन अटवाल, आरुमन, जसकरण, सौरभ, पीयूष, रविंदर, गौरव, सागर, शुभम, वरेंद्र कुमार. हो सकता है ये बच्चे भंगड़े में या अगले इवेंट में हैं. एक बच्चा है जसजी सर इशारा कर रहे हैं. आ जाओ बेटे, अपने साथियों की ओर से. बेटा क्लैपिंग के साथ इनका स्वागत कीजिए. जल्दी आ जाओ बेटे, जरा दौड़ के आइए. प्लेयर्स हो आप लोग. हरि आप सिटिंग अरेंजमेंट वाले बच्चों से मेरा निवेदन है कि जो कुर्सियां खाली हैं बच्चों को उन पर बिठा दिया जाए. फुटबॉल अंडर 17 टीम चल रही है ममता मैम. ये जो मंच पे खड़े हैं पास अंडर 17 लिखा हुआ, ठीक है. कुलविंदर सिंह, कुणाल, कार्तिक कौल, प्रदीप सिंह, अनिकेत, हिमांशु, गौरव सिंह, नकुल कुमार, सागर गुप्ता, साहिल, रूबल, दमनजीत, अंश कुमार, आकर्षित, आकाश कुमार, युवराज कुमार, प्रियांशु, विशाल कुमार और जशन. मंच पर पहुंचिए बेटे फटाफट. वेरी गुड. आ जाइए फटाफट, आ जाइए बेटे. इसके बाद बैडमिंटन बॉयज की टीम तैयार रहे. सक्षम,
हरप्रीत हर्षप्रीत गुरसिमरन सिंह। अच्छा जी, वो बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं। सक्षम हरप्रीत हर्षप्रीत गुरसिमरन सिंह। और इसके साथ ही हमारा स्पोर्ट्स का जो प्राइस सेक्शन है वो खत्म होता है। सैंपला सर, कुछ पल के लिए कृपया मंच पे रहें। दो पल के लिए आप सभी जन कृपया मंच पर रहें। शरणजीत सर आप सब कुछ देर के लिए मंच पर रुकें। हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री विजय सांपला जी अपनी व्यस्तताओं के कारण जरा जल्दी जा रहे हैं। एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, टोकन ऑफ लव स्कूल की ओर से सर प्लीज स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर, हमारे स्कूल के दो बच्चे हैं जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, भवनीत और रवनीत। दोनों बच्चे फटाफट मंच पे आ जाओ। इन बच्चों ने अपने हाथ से आपका स्केच बनाया है सर। सैंपला सर, इन दोनों बच्चों ने आपका एक स्केच बनाया है। बहुत ही सम्मान से ये स्केच ये बच्चे अपने प्रिंसिपल सर के साथ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद भवनीत और रवनीत सर। हम बेहद शुक्रगुजार हैं सर कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे मध्य पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैनेजमेंट मेंबर साहिबान कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी बच्चे, अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाएं। स्किट वाले बच्चे बैठ जाओ बेटा। सर अगला आइटम चलने देते हैं, फिर उसके बाद इकट्ठे चले जाएंगे बच्चे। अभी बिठा दीजिए प्लीज। अभी आपके सम्मुख प्रस्तुत है शोमैन राज कपूर यादों के झरोखों से। Thank you.
भेद क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से भेद क्यों डरता है दिल। कहता है तेरा मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जापानी ये बदलू इंग्लिशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये बदलू इंग्लिशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी रमैया बस्ता भैया रमैया बस्ता भैया। मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बस्ता भैया रमैया बस्ता भैया रमैया बस्ता भैया रमैया बस्ता भैया। मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बस्ता भैया रमैया बस्ता भैया। दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई नहीं पति नहीं रहता नहीं दुनिया है और प्यारे दुनिया ये सर्कस है। ए भाई डर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई थैंक यू। आई होप राज कपूर को आप देख सके यादों के झरोखे से इस आइटम के थ्रू। और अब पंजाब के दो बेहद हरमन प्रिय डांसर्स गिद्दा और भंगड़ा। सर गिद्दा शुरू करने से पहले इवेंट इन चार्जेस के अप्रिसिएशन अवार्ड दिलवा दें क्योंकि वो बीच में हमने छोड़ दिया था। ठीक है गिद्दे वाले बच्चे पीछे अपने सेट में बैठिए। तब तक मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को लेकर मंच पे आए और हम एप्रिसिएशन अवार्ड्स देने की रसम अदा कर सकें। वो टीचर्स इन चार्जेस जो अवार्ड सेरेमनी के लिए डेप्यूटेड हैं, वर्षा महेंद्रू मैडम आई हैं, स्वागत, बेहद स्वागत। मैं माफी चाहती हूं सर मैं बार बार आप लोगों को तकलीफ दे रही हूं पर ये बेहद जरूरी है कि जो आइटम्स हमको यहां पे दिखती हैं उनको तैयार करवाने वाले टीचर्स को सम्मानित किया जाए। और फंक्शन की तैयारी में पूरा स्कूल पूरे विद्यार्थी पूरा नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ लगा होता है। कोई बच्चों को तैयारी करवा रहा है, कोई बाकी बच्चों को डिसिप्लिन में रख रहा है, कोई रिफ्रेशमेंट को देख रहा है, एक टीम की भावना है। तो मैं आमंत्रित कर रही हूं सर सबसे पहले शिव वंदना
को तैयार करवाने वाले विक्रम सर, जिसमें शिव वंदना की सर वो बेटी सर की बेटी है, ताली बजा दीजिए। बेहद खूबसूरत शिव वंदना थी। इसके बाद मेरा रंग दे बसंती चोला के इवेंट इंचार्जेस कृपया मंच पे आ जाएं। मेरा रंग दे बसंती चोला के टीचर्स प्लीज मंच पे आ जाओ बेटे, सीक्वेंस वाइज। कंचन मैम, प्रिया मैम, दीक्षा मैम, मंच पे आ जाइए। इनके बाद अनेक रंगों से सजा एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा रंग दे बसंती चोला के कंटिंजेंट इंचार्जेस, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑनरिंग द टीचर्स हु आर मेंटर्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, थैंक्स अ लॉट। अब मैं आमंत्रित कर रही हूं अनेक रंगों से सजा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अंकिता मैम, सपना मैम, शैली मैम, मंच पर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गुजराती पंजाबी और राजस्थानी वाला नृत्य था सर, अब मैं आमंत्रित कर रही हूं तेरी मिट्टी में मिल जावा के इवेंट इंचार्जेस विक्रम सर, अमन मैडम, और इनके साथ एक मेंटरिंग कर रहे थे हमारा स्टूडेंट विशाल। बहुत सम्मान से मैं आमंत्रित कर रही हूं आप तीनों को। अच्छा, विशाल शायद भंगड़े के लिए तैयार हो रहा होगा। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी के लिए प्रिया मैडम, हरमन मैडम, हरमन मैम मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया फटाफट मंच पे पहुंच जाएं, जल्दी आ जाइए मैम। ये सर उसका मेंटर था तेरी मिट्टी में मिल जावा का, तब ये भंगड़े के लिए तैयार हो रहा था। हरमन मैम जल्दी आ जाइए। हरमन मैम, प्रिया मैम, विशाल तीनों आमंत्रित हो रहे हैं अपने इवेंट के लिए। विशाल का था तेरी मिट्टी में मिल जावा, हरमन और प्रिया का है इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी। थैंक यू वेरी मच डियर मेंटर्स। आप इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस ना करवाते तो ये फंक्शन नहीं हो सकता था बेटे। थैंक यू। स्किट के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बख्शी सर। बहुत धन्यवाद। शोमैन यादों के झरोखे से मैं आमंत्रित कर रही हूँ सपना मैडम और अंकिता मैडम को, चाहे अपनी सच अ स्वीट थिंग सर, अपनी पूरी टीम लेकर आए हैं क्योंकि पूरी टीम की मेहनत लगती है स्केट में। वेरी नाइस। राजेश सर, डॉक्टर साहब से परमिशन ले लीजिएगा, बाद में सभी पार्टिसिपेंट सर के साथ एक फोटो करवाएंगे और बाकी मैनेजमेंट मेंबर्स के साथ, वो बेहद जरूरी है क्योंकि एक दिन की मेमोरी रह जाती है बच्चों की। बेहद धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच बच्चे। शोमैन यादों के झरोखे के लिए लास्ट बेटा, यादों के झरोखे के साथ ही सुरभि मैडम गिद्दे के लिए अपना एप्रिसिएशन अवार्ड लेने के लिए आ जाएं। भांगड़ा के लिए नितिन, सभी साथ आ जाइए।
बख्शी सर नितिन कहा था आपने, नितिन को, नितिन बेटा ऊपर आ जाओ, नितिन सुरभि सर जी हमारे गिद्धा और भांगड़ा के इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया सर। हाँ तू इधर आ जा बेटे ताकि सुरभि मैम फोटो में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुरभि मैम आप स्टेज पर ही रहिएगा, गिद्धे के बच्चे पीछे आप रेडी कर दीजिए, सेट देख लीजिए, आप यहीं से निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बेहद सम्मान से आपको आपका स्थान ग्रहण करने के लिए कहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गिद्धा पंजाब दी शान, कुड़िया ते साडा माण, ते साडी संस्कृति, ते साडे सभ्याचार दी पहचान। मल्होत्रा सर थोड़ी देर बैठिए क्योंकि अभी बहुत कलरफुल इवेंट चलने वाले हैं। सचिन सर मीना मैम थोड़ी देर बैठिए, अभी तो गिद्धा और भंगड़ा होने वाला है। अच्छा ठीक है, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। गिद्धा ऑन, म्यूजिक ऑन, ठीक है। गिद्धे के बाद भंगड़े वाले बच्चे तैयार रहे। और बेटा मैं दोबारा से अनाउंस कर रही हूँ, भंगड़े से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स की डॉक्टर साहब और मैनेजमेंट मेंबर्स के साथ एक ग्रुप फोटो होनी है। सभी कंटिंजेंट इंचार्जेस ध्यान दें कि आपके स्टूडेंट्स आसपास रहें। भंगड़े से पहले हमारे पूरे आज कॉस्ट्यूम्स पहने हुए बच्चों का एक फोटोग्राफ होगा। बख्शी सर आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। भंगड़े से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स एक जगह तैयार हो जाएंगे। पेश है गिद्धा। ताड़ी बजा दो भाई। Oh, my God.
ताड़ी जरा ज्यादा जोश नाल बजाओ, कुड़िया इतना सोना किता पाके गई है भाई। सो जे कुड़िया ने गिद्दा इन्ना सोना पाया है ते पुत्र कोई भी पंजाब दा फंक्शन मुंडिया दे भंगड़े तो बिना नहीं सजदा। बेटा बैक स्टेज ऑल रेडी, मुझे इशारा कर दीजिएगा जब आपका सेट रेडी हो जाए। पहले हम लोग भंगड़े की आइटम को देखेंगे और नेशनल एंथम के बाद सभी कंटिंजेंट एंड चार्जेस अपनी अपनी टीम्स के साथ यहाँ मंच के पास आ जाएंगे ताकि हम लोग सर के साथ मैनेजमेंट के मेंबर साहिबान के साथ एक ग्रुप फोटो ले सके। टीचर्स कृपया ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स किसी बच्चे को साथ ना ले जाएं नेशनल एंथम होते ही, वो बच्चा ग्रुप फोटो में जरूर रहना चाहिए, उसके बाद वो जा सकते हैं। हेलो, भंगड़े दे बच्चे बैक स्टेज रेडी हो रहे ने? हाँ हो गए, बिल्कुल ठीक। नेशनल एंथम के बाद कंटिंजेंट एंड जजेस, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू गेट योर टीम्स रेडी विद यू सो दैट वी कैन हैव अ ग्रुप फोटो विद मैनेजमेंट, रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट मेंबर्स एंड आवर प्रेसिडेंट सर। और जैसे ही ग्रुप फोटो होगा बेटे, जितने भी हाउस कैप्टन हैं, जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। हाउस कैप्टन, वेरी नाइस, यू गाइस हैव डन अ ब्रिलियंट ड्यूटी टुडे। बेटा जब ग्रुप फोटो हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स का, उसके बाद आप लोग सर के हाथों से अपना अपना एप्रिसिएशन अवार्ड लेकर जाएंगे, ठीक है? ग्रुप फोटो के बाद ओके जी, तैयार हो जाओ। पेश है डीएवी स्कूल दे गभरुआ दा भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। किन्ने सोने सुनखे सच्चे हैं मुंडे, जरा ताड़ियां मार के स्वागत कर दो। म्यूजिक ऑन। नागा दी पट्टी गोतना गुबाड़ मार बह गई, ओदे तो बजे गांदी दी गाना दी बदका, महा तसीर खाना मुंडा लेडर सी चोटी रानी पाले आंगू अख तेरी हंदे आं तो लै गई, ओ लख दिता की मेरी नक्के नक्के
वेरी गुड बेटा बेटा, भंगड़े वाले बच्चे यहीं खड़े रहेंगे, सभी बच्चे यहीं खड़े रहेंगे। अब हम सब लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे। नेशनल एंथम के बाद, जैसे कि पहले भी अनाउंस किया जा चुका है, प्रेसिडेंट सर और मैनेजमेंट मेंबर साहबान के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स और कंटिंजेंट इंचार्जेस का एक फोटोग्राफ होगा। हाँ जी, नेशनल एंथम सपना मैम। अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे प्रेसिडेंट सर, सम्मानीय मैनेजमेंट मेंबर्स, मैं आप सबको निवेदन करती हूं कि कृपया मंच पर आए और हमारे फंक्शन के पार्टिसिपेंट्स और कंटेंजेंट इंचार्जेस के साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए। सभी टीम्स बाकी बख्शी सर डायरेक्ट कर देंगे और दीक्षु भैया भी वैसे खड़े होना है। सभी टीम्स कृपया मंच के सामने आ जाएं।
बख्शी सर, दीक्षु भैया प्लीज बच्चों को बता दीजिए बच्चे किस तरह खड़े होंगे। ऊपर बेटा पर्दा पीछे कर दीजिए। उसके तो ना करनी है, पिछों के करनी है, पिछों के करनी है। केशी भाई दीक्षु भाई भाई नहीं हाँ ठीक है हूँ इतनी कितनी वीडियो आनी है दीक्षु भाई आप भंगड़े वाले एक इधर दो भाई बैठा लो इधर ओके मेरा ओके है मेरा ओके है देखो सामने देखो सारे जी Please.